मीम्स तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग फिर से देखने वाले अमेजिंग सी मीम्स। और गाइस अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बढ़ते वीडियो की तरफ को। अच्छे मोबाइल से चिपके रहते हैं उनको क्या बोलोगे? इस पे चार पंक्ति करना चाहता हूँ। चार पंक्ति बोया पैर बबूल का तो आम कहाँ से हो, चिपको रहेगा मोबाइल में तो काम कहाँ से हो। बच्चे ये सेम चीज में करना चाहता हूँ आपके साथ। भाई ये अभी तक के पैदा नहीं हुआ यार, ये कितनी मोटिवेशन देता है यार। 2023 के 8 महीने वेस्ट कर दिया। ये डांस तगड़ा है भाई, 8 महीने सक्सेसफुली वेस्ट हो गए, अभी 4 महीने बाकी, वो भी वेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, पापा जी के नगमे सीडी में मजा आएगा। भाई मेरे को ओगी ओगी क्यों सुनाई दे रहा? When you show her your music taste. हम भजन सुनने वाले लड़के हैं। तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जी टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं, देखो या ना। जिसने भाई टीम रॉकेट का ये डायलॉग बनाया ना, मास्टरपीस है भाई। भाई पहले पोकेमोन के जो एपिसोड आते थे उसमें भाई हर एपिसोड में डायलॉग है भाई, पुराने दिन याद आ गए। स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे तो प्रोफेसर ने कहा ए तुम खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद तो खड़ा कर दिया, खड़ा करके बोले अगर दो थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी विवेकानंद तुम क्या उठाओगे? तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। बोले देखा मुझको पहले ही पता था है जी। तो बोले प्रोफेसर बोला अचानक बोला आप क्या करते? प्रोफेसर बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोले ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी रोस्ट कर दिया भाई अंग्रेजों को। इंडियंस कई पीछे नहीं छुटते, टीचर को रोस्ट कर दिया सीधा। बेटर योर बार्बर और गो इन टू जेल। जेल में चले जाएंगे यार, लेकिन हमारे बार्बर को कभी बेटर नहीं करेंगे हम। दिल से हमारे एक ही बार्बर रहेगा भाई, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जेल में चले जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको ही पता है कैसे काटने बाल, नहीं तो भाई दूसरे चूमू बना देते यार। पर सांता एक्चुअली रियल होते हैं तो आप सांता से क्या एक चीज मांगते? नोटी हो रहा नोटी हो रहा। बच्चे 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 क्या कर रहा है? हेलो वो दीदी कितनी खुश हो गई। हेलो किसका बच्चा है ये? हेलो ये भजन के नाम पे कुछ भी गाते हैं यार। हेलो केकड़ा जी, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा, आईना देख लेते सरकार। अक्षय कुमार को रोस्ट कर दिया। स्पोकन इंग्लिश इन 10 डेज। या नो 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 नो, आई लव वेरी मच वेरी मच वेरी मच, यू टोल्ड माय देम ओल्ड अगेन ओल्ड अगेन ओल्ड अगेन, नो 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 नो, ऑन माय सिक्योर पॉइंट टू दिस ऑन हिज रोड, बिकॉज़ यू लव मी देम एंड नॉइज 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 कुड नॉट बी देम, यू शुड नॉट मी अगेन 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 यू। अरे पुनीत भाई ये पाकिस्तान के प्लेयरों जैसे बात क्यों कर रहे हो? नाम बताओ अपना। प्राची 2069 में ऐसे नाम होंगे। बाप का नाम मयूरी। हेलो दादा का नाम सुंदरी। तुम्हारी माँ का नाम चमन लाल। ये क्या है? हेलो करीम, अभी जो शो कर रहा हूँ नंबर वन शो, कुछ शो हाँ कुछ शो जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, हाँ? नहीं आती तेरे को एक्टिंग, बारे में क्या आता? ये इसने बहुत गंदा रोस्ट किया था भाई को। प्रिंस नरोला डिस्ट्रॉयड। व्हाटएवर जैसी शक्ल है और डुक्कर जैसी बॉडी है, डुक्कर इज अ पिग इन मराठी, डुक्कर पिग जैसा बॉडी है, हाँ फुला हुआ ज्यादा लगता है सर। ये बंदे ने बहुत रोस्ट किया भाई। भाई ये स्क्रिप्टेड है क्या? हेलो तू का है? कमजोर आदमी को बेटा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। भाई को गाली देने की जरूरत नहीं, भाई ऐसी रोस्ट कर रहा है। तू मेरी फील्ड में आएगा और मेरे साथ टास्क करेगा। अच्छा तूने बता दिया, मैंने मान लिया, जा नहीं मान। तो मान। भाई भाई ये बोल दो ये स्क्रिप्टेड है या नहीं। भाई मुझे तो नहीं लग रहा भाई स्क्रिप्टेड है यार, क्या दे रहा है वो बंदा, लिटरली नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल।
ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, पीस आउट।